हेलो गाइस, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्राइम अजय। गाइस, ये मेरा यूट्यूब पर पहला वीडियो है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। सो गाइस, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ वाराणसी कैंट स्टेशन बाहर का नज़ारा। तो चलते हैं स्टेशन के सामने, और मैं अभी कैंट स्टेशन के सामने जो अभी पुल बना है नया वाला, उसके ऊपर हूँ। तो आपको दिखाता हूँ पुल के ऊपर से कैंट स्टेशन कैसे दिखता है। सो आप वीडियो पे बने रहिए। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये कैंट स्टेशन के बाहर का नज़ारा है। मैं इस समय पुल के ऊपर खड़ा हूँ, और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत हमारा बनारस है। सिर्फ स्टेशन ही नहीं, और बाकी बनारस के अंदर आप आ सकते हैं, देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी जगह हैं घूमने के लिए। तो अभी तो मैं कैंट स्टेशन के पास का वीडियो बना रहा हूँ, और आगे बनारस का हर जगह का घूमने वाले जगह का वीडियो बनाता रहूँगा। तो अभी मैं स्टेशन के पुल के सामने हूँ, जो आज से 3 साल पहले पुल गिरा था, और लगभग 12 से भी ज़्यादा लोग की मृत्यु हो गई थी। बहुत दुखद दुर्घटना रही हमारे बनारस की। सो गाइस, अभी हम पुल के ऊपर हैं, पैदल पैदल काफ़ी दूर से चढ़कर आ रहे हैं। आपको पुल के ऊपर से स्टेशन दिखाने का मन था, तो सोचा दिखा दूँ। ये आप देख सकते हैं स्टेशन के सामने सिटी इन होटल। आपको स्टेशन के सामने काफ़ी सारे होटल्स मिल जाते हैं, अच्छे अच्छे, महंगे सस्ते। आप स्टेशन के सामने जो भी होटलें हैं सारी लगभग महंगी हैं। आप इसके बाद इसके पीछे जा सकते हैं स्टेशन के कैंटोनमेंट एरिया में, वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े होटल्स हैं। और क्या कहते हैं, अगर आप सिटी के बीच में जाते हैं तो वहाँ पे आपको कम रेंट में आपको होटल मिल जाता है। तो अगर आपको अच्छे होटल में रुकना है, महंगे होटल में, तो आप कैंटोनमेंट में जा सकते हैं। यदि आपको सस्ते होटल में रुकना है तो आप बीच सिटी में आप ले सकते हैं। ये देखिए, ट्रेन रुक रही है स्टेशन पे, और मैं जा रहा हूँ पुल के नीचे। बहुत तेज़ धूप लग रहा है। ओ भाई, मैं पैदल पैदल काफ़ी दूर आ गया, पुल पूरा क्रॉस करने वाला हूँ। देखते हैं, आपको सामने दिख रहा होगा, तो बस थोड़ा दूर और बचा है पुल, उसके बाद मैं नीचे आ जाऊँगा। तो गाइस, मैं फाइनली पुल के नीचे आ गया हूँ। और भाई, बहुत धूप है आ रही तो अभी से। ओ देखिए, आप देख सकते हैं, मैं इसी पुल के ऊपर से आपको कैंट स्टेशन दिखा रहा था। हेलो गाइस, अभी मैं आ गया हूँ रेलवे स्टेशन के पास। तो आपको चलता हूँ, दिखाता हूँ अंदर से रेलवे स्टेशन। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो यार। इतना अच्छा व्यूज़ आ रहा है स्टेशन के अंदर। तो गाइस, मैं आपको बता दूँ कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से लखनऊ। वाह, मेरी गाड़ी जो है कि प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे आएगी। ओ भाई, आज तो पैदल चलते चलते मेरी हालत ख़राब हो गई, वो भी इतनी कड़क धूप में। श्रीवल तो गाइस, मेरी ट्रेन आ चुकी है, अभी प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे लग रही है। एस ट्रेन कहाँ है, एस ट्रेन कहाँ है,
आ गया हमारा यस 10। ओह माय गॉड, S10। तो गाइस फाइनली मैं अपने सीट पर बैठ चुका हूँ ट्रेन में, तो अब यहाँ से मैं जाऊँगा लखनऊ, आपको दिखाऊँगा लखनऊ स्टेशन। तो गाइस फाइनली हमारी ट्रेन चल चुकी है, अब हम ट्रेन का आनंद लेते हुए चलेंगे लखनऊ। तो आप वीडियो पे बने रहिए, अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ गाइस लाइक कर दो यार। तो गाइस ये जो आदमी है अभी बाय किए हैं, ये अपने वाइफ को ट्रेन में बैठा कर जा रहे हैं और अपने वाइफ को बाय किए हैं। औरंगपुर क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। गाइस अभी हम निहालगढ़ पहुंचने वाले हैं, ये ट्रेन जो है कि निहालगढ़ रुकेगी। गाइस मैं बताना चाहूँगा आपको कि निहालगढ़ के समोसे बहुत पसंद है, आप जब भी यहाँ इधर से गुजरे अगर निहालगढ़ रुकते हैं तो निहालगढ़ के एक बार समोसे ज़रूर टेस्ट करना यार, यहाँ के समोसे बहुत ही फेमस है और बहुत ही अच्छे समोसे यहाँ के हैं। तो गाइस फाइनली मैं लखनऊ पहुंच चुका हूं, आप देख सकते हैं ये लखनऊ स्टेशन के बाहर का सीन है। तो ये बहुत ही बड़ा लखनऊ जंक्शन है, ये देख सकते हैं आप, ये जो है कि लखनऊ जंक्शन है, मैं जो कि लखनऊ जंक्शन के बाहर से आपको ये फोटोज़ दिखा रहा हूं, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़ा लखनऊ जंक्शन है और काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। यहाँ पे ये जो सामने बना है रात टाइम में आपको लाइटिंग बहुत अच्छी दिखाई पड़ती है, अगर मौका मिला तो मैं आपको रात को दिखाऊंगा। तो गाइस ये है लखनऊ जंक्शन, आप देख सकते हैं सामने मेरे लखनऊ जंक्शन का बोर्ड लगा है। ये जो गाइस लखनऊ जंक्शन का बोर्ड लगा है, इसके थोड़ा राइट में आएंगे तो ये मेट्रो स्टेशन है सामने, आप देख सकते हैं ऊपर, तो यहाँ ही पास में आपको चार बाग में मेट्रो स्टेशन मिल जाता है। तो गाइस इस वीडियो में बस आज के लिए इतना ही, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ 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 गाइस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको बनारस से लेके यहाँ तक इस वीडियो में कैसा लगा। थैंक यू सो मच। ये चार बाग स्टेशन का नाइट का नज़ारा, वाह कितना सुंदर लग रहा है।